मार्च 2015 को, है ना। इलस्ट्रेशन 17, प्रति अंश प्रीमियम की दर से अपने पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करने का निश्चय किया। इट मींस जो उसका प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, कि उसकी पूर्ण, देखो 10 रुपए प्रीमियम पर। नेक्स्ट, कितने हैं इसके पास? इसकी पूंजी 100 रुपए वाले पूर्णदत्त, 3,007% विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, और देखो 100 रुपए वाले हैं, 3,007% प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और 100 रुपए वाले जिनमें 80 रुपए भुगतान किए गए, मतलब कॉल्ड अप कितना है उसका? 80 रुपए, मतलब 20 रुपए और मंगवाना है इसमें से। समता अंशों में थी 10,000 इक्विटी शेयर्स। डिसाइडेड टू रिडीम प्रिफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर। ये प्रीमियम देगा इन पे, ठीक है, उसमें लिखा है फर्स्ट टाइम में। देखो आगे, 31 मार्च 2015 को कंपनी के चिट्ठे में आय संचय 4.5 लाख, रिवेन्यू रिजर्व 4.5 लाख है, और जो कैपिटल रिजर्व है वो कितना है? पूंजी संचय 29,500, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसमें देखो, पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान आंशिक रूप में लाभों में से और आंशिक रूप में नए निर्गमन से प्राप्त राशि में से किया गया। अब देखो, ये तो शेयर कैपिटल थी, ठीक है। अब क्या कर रहा है कंपनी? जो भुगतान करेगा, रिडीम करेगा, वो कैसे करेगा? पार्टली प्रॉफिट में से करेगा, और पार्टली किस में से करेगा? वो न्यू इशू ऑफ शेयर से, न्यू इशू करेगा शेयर्स में। फिर इसमें कितने के लिए कर रहा है? 1,506% वाले क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। 1,506% संचयी पूर्वाधिकार अंश कर रहा है, का निर्गमन कर रहा है ये, ठीक है। कितने रुपए वाले? ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। एट प्रीमियम कितना है उसमें? 25 रुपए का। एट ₹25 पर शेयर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन वॉज मीट आउट ऑफ द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन न्यू शेयर्स। इसमें क्या लिख रहा है? विमोचनशील अंशों के प्रीमियम का भुगतान नए निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम में से किया गया। इस इट मींस जो इस पे प्रीमियम का अमाउंट आ रहा है, वही ये जो हम कर रहे हैं ना, 10 रुपए प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो, तो प्रीमियम का अमाउंट पूरा प्रीमियम पे में जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन, 30 जून 2015 को कंपनी की साधारण सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि उस तिथि को समस्त पूंजी और आगम संचय का कुछ भाग निम्नांकित विधि से प्रयोग किया जाए। तो जो रेवेन्यू रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व है, उसको कैसे यूज करना है, अब उसके लिए दिया गया। देखो, द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, बोनस डिक्लेयर करना है पहला, तो कितने रेट से? 20 रुपए पर शेयर से, ठीक है। ऑन इक्विटी शेयर फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग द सैड इक्विटी शेयर फुल्ली पेड, 20 रुपए प्रति अंश की दर से समता अंशों पर बोनस की घोषणा। ये देखो, ये बोनस की घोषणा कर रहा है, 20 रुपए प्रति अंश की दर से इन अंशों को पूर्णदत्त बनाने के उद्देश्य से की गई। तो वो जो इक्विटी शेयर्स हैं, ये वाला देखो हाईलाइट कर रही हूं मैं, ध्यान से समझो, ये इन अंशों को पूर्णदत्त बनाने की, तो इनको बोनस तभी मिलेगा जब ये लोग ये 20 रुपए दे देंगे इसका, ये वाला, ये 20 रुपए नहीं दिया ना, तो इन अंशों को पूर्णदत्त बनाने से, तो इनसे 20 रुपए भी मांगा जाएगा, और जब इनसे 20 रुपए मांग लेंगे कॉल का, फाइनल कॉल का, तब हम इनको 20 रुपए बोनस देंगे। ये लाइन में कोई डाउट है? समझ में आया इस लाइन का मतलब? आदित्य, उषा, कृष्णा, इस लाइन में डाउट है तो पूछ। यस मैम, यस मैम।
डाउट है क्या इसमें तो पूछ लो। देखो उसमें क्लियर कट लिखा है कि इन अंशों को पूर्णदत बनाने की उसमें से इनको बोनस दे रहा है। आगे देखो नेक्स्ट लाइन। अब इनका समता अंशधारियों को उनके द्वारा रखे जाने वाले प्रत्येक चार अंशों पर एक अंश के अनुपात में बोनस अंशों का निर्गमन किया गया। अब बोनस कैसे देंगे? जिनके पास चार शेयर हैं उनको एक शेयर देंगे बोनस का, ऐसे देना है। और फिर और वो शेयर कितने का है बोनस वाला, ये देखो 20 रुपए का। आया समझ में? यस मैम। आगे देखो इसमें चलो इसको नोट करना है तो नोट करो, फिर अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ये वाला वर्किंग नोट, किसी को डाउट है तो इसमें एक बार फिर से पूछ सकते हो ना। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10,000 इक्विटी शेयर है, 20 रुपए कर उसमें से लेना है बोनस के नाम से, ठीक है कितना? और यही उनका देखो 80 रुपए उन्होंने दिया था, तो 20 रुपए वैसे भी उनसे लेने ही थे, तो 10,000 इंटू 20 क्या 2 लाख, और 10,000 शेयर्स हैं जिनके पास, तो हर चार को एक शेयर देंगे, तो टोटल 10,000 शेयर हैं, तो टोटल कितने बांटेंगे बोनस के? 2,500 शेयर्स। शेयर कैपिटल एक कितने का है? 100 रुपए का, तो ये हो गया 2.5 लाख। तो टोटल देखो 2 लाख और 2.5 लाख हो गया 4.5 लाख। ठीक है अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब जनरल एंट्री के लिए कॉलम बनाओ जल्दी से, प्रोफॉर्मा बनाओ। ठीक है स्टार्ट करते हैं अपन, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट करके, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। अब देखो क्वेश्चन में समझो, कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं कंपनी के पास? 3,000 हैं, 7% वाले प्रेफरेंस शेयर्स ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब देखो इनको प्रीमियम पर दे रही है कितने रुपए प्रीमियम पर? 10% प्रीमियम पर इनका भुगतान कर रही है, तो कितने पैसे देने हैं? देखो 3,000 इंटू ये 100 रुपए वाला है ना शेयर, इंटू 100, तो कितना देना है? देखो 3 लाख और 10 रुपए प्रीमियम, तो 3,000 पे 10 रुपए प्रीमियम का हो गया 30,000, तो 3,30,000 पूरा का पूरा कंपनी को क्या करना है? भुगतान करना है ना, रिडीम करना है। अब इसके लिए कंपनी किस में से देगी पैसा? प्रॉफिट में से देगी, और बाकी के लिए वो शेयर इश्यू कर रही है। तो देखो शेयर कितना इश्यू कर रही है वो? छह परसेंट वाला क्या इश्यू कर रही है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है 1,500, तो 1,500 ये हुआ इंटू 100 रुपए का, तो 1,500 इंटू 100 कितना हुआ? 1,50,000 प्लस ये इशू कर रही है ना, फ्रेश इशू कर रही है, फिर और प्रीमियम कितना ले रही है इनसे? 25 रुपए, तो 1,500 इंटू 25 करो कितना आएगा? 37,500 यही आ रहा है। Yes, ठीक है। फिर कंपनी ने क्या बोला था कि ये प्रीमियम का जो अमाउंट है ये वाले प्रीमियम को पे करने में देगी, याद आया मैंने बताया था कि ये प्रीमियम का अमाउंट इस प्रीमियम को। तो फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट इशू करेंगे अपन पहले 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, तो ये हो गया 1,50,000 और ये हो गया 37,500, तो ये टोटल हो गया 1,87,500। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट इसमें देखो आप लोग,
रिवेन्यू रिजर्व में कितना पैसा था अपना? ये देखो, ये तो कितना हो गया, 1.5 लाख। अब बाकी हमको प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट में एक रेवेन्यू रिजर्व था और एक कैपिटल रिजर्व था। मैंने बोला है कि कैपिटल रिजर्व का हम अमाउंट यूज नहीं करते हैं, तो हम रेवेन्यू रिजर्व का कितना अमाउंट है अपने पास, 4.5 लाख। तो हम उसमें से हमको टोटल कितना पे करना है, 3 लाख। 3 लाख में से हम 1.5 लाख तो इशू कर रहे हैं, तो बाकी कितना निकालेंगे हम इसमें से, 1.5 लाख। ये समझ में आया, 1.5 लाख कहाँ से आया, 3 लाख करना है, जिसमें से 1.5 लाख का अपन फ्रेश इशू किए थे, तो बाकी कितना बचा, 3 लाख में से 1.5 लाख गया, 1.5 लाख। तो ये जो 1,50,000 जो बचा हुआ है, ये किस में से लेंगे, प्रॉफिट में से। प्रॉफिट मतलब रिवेन्यू रिजर्व में से। दो रिजर्व हैं, एक रिवेन्यू रिजर्व और एक कैपिटल। मैंने बीच में 2-3 दिन पहले क्लास में बताया था कि हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यूज नहीं करते हैं हम, तो फिर रिवेन्यू रिजर्व में से लेंगे कितना, 1.5 लाख। तो उसकी एंट्री करेंगे, रिवेन्यू रिजर्व में से ले रहे हैं 1.5 लाख। तो कौन से खाते में डालते हैं, पूंजी शोधन संचय खाते में, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसमें दे देंगे अपन 1.5 लाख। किसी को डाउट इस एंट्री में तो पूछो। कहीं पे डाउट है इसमें? नहीं मैम, नेक्स्ट एंट्री देखो। अब प्रीमियम का अमाउंट, ये 30,000 पे करने के लिए ये 37,500 का यूज करेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 30,000 लेंगे हम उसमें से, 37 आया है, हम लेंगे कितना, 30,000 फ्रेश इशू करने से, जितने की नीड है बस उतना ही लेंगे। नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अब क्या एंट्री करेंगे इसके बाद, अब हम इनको पे कर देंगे। तो कैसे पे करेंगे, 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर्स टू 7% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 30,000, ये हो गया 3 लाख 30,000। फिर कौन सी एंट्री करेंगे अब अपन, यहाँ तक फिफ्थ हो गया। अब करेंगे 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 3,30,000, 3,30,000। ठीक है, अब बोनस की एंट्री देखो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1,50,000, ये यहीं पे खत्म नहीं हुई है एंट्री। अब आगे देखो, फिर कैपिटल रिजर्व में कितना था, 29,500। रिवेन्यू रिजर्व में इसके, ये मैं बताई थी आप लोगों को वर्किंग नोट, 2,70,000 कैसे आया था, 4.5 लाख में से 1.5 लाख इशू में गया, 30,000 किस में गया, प्रीमियम पे। प्रीमियम पे तो बचा कितना अपने पास, 2,70,000, और बाकी किस में आ गया, टू बोनस कितने का मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, 4,50,000। तो जो बैलेंस बचा हुआ है वो कहाँ से लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से, 30,000 का नहीं, 500 का, सॉरी। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए वो जो फाइनल कॉल के थे। फिर ये फाइनल कॉल कंपनी कैसे कर रही है, उनसे बोनस के रूप में,
उनको बोनस दे रही है उनके फाइनल कॉल का. बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. तो ये 2 लाख रुपए उनको दे दी बोनस के रूप में कंपनी. ये देखो ये ड्यू वाली एंट्री थी फाइनल कॉल की और इसका पेमेंट कैसे कर रही है बोनस के थ्रू. फिर और बोनस दे रही है शेयर होल्डर्स को. कितने वाला है वो 2500 शेयर. बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का 2,50,000 का. ये आया समझ में एंट्रीज कैसे हुई. एंट्रीज आई समझ में. यस मैम. चलो नोट करो जल्दी से करो.